नमस्कार दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस का ये वीडियो देखिए। आईएएस अफसर संजीव खिरवार किस तरह से थियागराज स्टेडियम खाली करवा देते हैं 7 बजे, इसलिए ताकि वो और उनकी पत्नी अपने कुत्ते को थियागराज स्टेडियम के अंदर घुमा सकें। जी हां, अब दोनों का ट्रांसफर कर दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर का कुछ ऐसा असर आप देख सकते हैं ट्रांसफर ऑर्डर, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है संजीव खिरवार आईएएस बैच 1994 ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली टू लद्दाख। उसी तरह से उनकी पत्नी रिंकू डुग्गा जो कि 94 बैच की, उन्हें अरुणाचल प्रदेश भेज दिया गया है। मामला क्या है मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों। मामला यह है कि इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर एंड्रयू आसमान और फोटोग्राफर अभिनव साहा लगातार 7 दिन थियागराज स्टेडियम गए, और जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में, यहां पर आप संजीव खिरवार को देख सकते हैं रेलिंग के ऊपर, वो अपना जूता जो है उसकी लेसेस बांध रहे हैं, और उनके कुत्ते को भी देख सकते हैं, और फिर उसी ट्रैक पर जो है वो बाकायदा वॉक कर रहे हैं अपने कुत्ते के साथ। इस तस्वीर में उनकी पत्नी भी साफ दिखाई दे रही हैं। अब इंडियन एक्सप्रेस के इस वीडियो के मुताबिक करीब 6:30 बजे से ही पुलिस जो है थियागराज स्टेडियम में सीटी बजाने लगती थी, लोगों को क्लियर करवाने लगती थी। वहां जो स्पोर्ट्समैन हैं, खिलाड़ी हैं, उनकी ये शिकायत थी कि हमें 7 बजे ही वहां से हटा दिया जाता था, और नतीजा आपके सामने है दोस्तों। इससे कई सवाल उठते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इनका ट्रांसफर तो कर ही दिया गया है, जिस पर मैं बाद में सवाल उठाऊंगा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने यह आदेश जारी किया था, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि अब स्टेडियम जो है खिलाड़ियों को रात 10 बजे तक खुला रहेगा। अब कोई भी उन खिलाड़ियों को नहीं रोक सकता स्टेडियम के अंदर जो है खेलने से। क्या कह रहे हैं मनीष सिसोदिया, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। न्यू रिपोर्ट्स हैव ब्रॉट टू आवर नोटिस दैट सर्टेन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आर बीइंग क्लोज्ड अर्ली कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू स्पोर्ट्समैन हु विश टू प्ले टिल लास्ट नाइट। CM Arvind Kejriwal has directed all Delhi government sports facilities to stay open for sportsmen till 10 PM. और जिस तस्वीर का हवाला यहां डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया दे रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि संजीव खिरवार और उनकी पत्नी दोनों अपने कुत्ते के साथ दिखाई दे सकते हैं। ये किस ग्रह से आते हैं लोग, क्या सोच है इनकी? यानी कि सिर्फ इसलिए कि आपको अपने कुत्ते की सैर करानी थी, कुत्ते के साथ वॉक लेना था, आपने पूरे स्टेडियम को बंद करा दिया। हम अपने राजनेताओं पर उंगली उठाते हैं कि वो राजनेता जो हैं तानाशाही सोच के हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स बताइए आप मुझे क्या सोच है इनकी। सिर्फ इसलिए कि इन्हें अपना कुत्ता घुमाना था, इन्होंने पूरा स्टेडियम खाली करवा दिया। मगर मैं कुछ और प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं। हुआ ये कि जैसे ये मामला सामने उभर कर आया और जैसे इंडियन एक्सप्रेस की खबर सामने आई, इसको लेकर बवाल हुआ, और अब दोनों का ट्रांसफर कर दिया गया है। संजीव खिरवार को लद्दाख भेज दिया गया है और उनकी पत्नी को अरुणाचल प्रदेश। मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, दोनों ही निहायत ही खूबसूरत जगहें, बहुत खूबसूरत जगहें, क्या ये दोनों पनिशमेंट पोस्टिंग्स हैं? क्या आपने इन्हें सजा के तौर पर यहां भेजा है? मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि सरकार ने उनकी पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख कराकर कहीं ना कहीं वहां के लोगों की तौहीन की है। अरुणाचल प्रदेश एक निहायत ही खूबसूरत जगह है, लद्दाख एक टूरिस्ट स्थल है, और यही मुद्दा टीएमसी सांसद मावा मोइत्रा भी अपने इस ट्वीट में उठा रही हैं। वो क्या कह रही हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Why shame Arunachal by transferring errant Delhi bureaucrat there? Why pay lip service to Northeast and treat area like a dump or your rubbish Ministry of Home Affairs? Please protest, Prema Khandu, Kiran Rijiju. मऊआ मोइत्रा सीधा सवाल उठा रही हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर, और वो कह रही हैं कि अगर आपको उन दोनों आईएएस ऑफिसर्स को सजा देनी ही थी तो उन्हें आप अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख क्यों भेज रहे हैं, और उसके जरिए अरुणाचल प्रदेश यानी नॉर्थ ईस्ट की तौहीन क्यों कर रहे हैं? और यहां पर वो भाजपा के सांसद प्रेमा खांडू और देश के लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू से भी सवाल कर रही हैं कि आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए। दोस्तों, बार बार ऐसा होता है, जब भी आपको किसी पुलिस ऑफिसर को परेशान करना होता है या किसी ब्यूरोक्रेट को सजा देनी होती है तो आप उसे सीधा नॉर्थ ईस्ट भेज देते हैं।
मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। आज से 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के कचरा ट्रोल प्रमुख कोई पांडे है, उसने मेरा, रवीश का और बरखा दत्त, हम तीनों के जो नंबर्स हैं उसे सार्वजनिक कर दिया था और मेरे इस नंबर को हजारों व्हाट्सएप ग्रुप्स में फैलाया गया था यह कहकर कि ये तीनों देश के गद्दार हैं। 60 घंटे तक मेरा फोन बजता रहा। मैंने दिल्ली पुलिस में शिकायत की, उत्तर प्रदेश पुलिस में शिकायत की, मध्य प्रदेश पुलिस में शिकायत की। नतीजा यह हुआ कि कम से कम 4-5 लोगों को मैंने गिरफ्तार कराया, उनमें से आज भी कुछ अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ लोग मेरे परिवार के सदस्यों को बलात्कार की धमकी दे रहे थे। आप जानते हैं जिस पुलिस ऑफिसर ने मेरी शिकायत पर एक्शन लिया उसे नॉर्थ ईस्ट भेज दिया गया था। एक ब्यूरोक्रेट थे, उन्हें तो सस्पेंड कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि वो मेरे और रवीश के पक्ष में आवाज बुलंद कर रहे थे कि किस तरह से इनके नंबर्स को सार्वजनिक किया गया, इस मुद्दे की जांच होनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था। मगर मुद्दा यहां पर यह है कि इनमें से एक पुलिस ऑफिसर जिसने हमारे पक्ष में आवाज बुलंद की थी उसे नॉर्थ ईस्ट भेज दिया गया था और आज भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। हर जगह यही दिखाई देता है, जहां आपको किसी ब्यूरोक्रेट को सजा देनी होती है आप उसे नॉर्थ ईस्ट भेज देते हैं। बड़ा प्रश्न, जब आप ब्यूरोक्रेट्स को, यानी कि संजय खिरवार जैसे ब्यूरोक्रेट्स को यह संदेश दे रहे हैं कि अगर आपने कोई गलती की तो हम आपको पूर्वोत्तर भेज देंगे, तो ऐसे में पूर्वोत्तर में विकास कैसे होगा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या जो तमाम पूर्वोत्तर की तरफ जितने भी राज्य हैं उनका विकास कैसे होगा? जब आप ब्यूरोक्रेट्स को यह संदेश दे रहे हैं कि अगर आपने गलती की तो हम आपको इन राज्यों में भेजेंगे, तब ये लोग वहां जाकर काम बिल्कुल नहीं करने वाले, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि हम जेल में हैं और हमें सजा दी जा रही है। इसलिए जो ब्यूरोक्रेट यानी संजीव खिरवार और उनकी पत्नी अपने कुत्ते को थ्यागराज स्टेडियम में तमाम लोगों को हटवाकर अपने कुत्ते की सैर करवा रहे थे, उसके साथ घूम रहे थे, आपको उन्हें कोई और सजा देनी चाहिए थी। अपनी सोच बदलिए माननीय गृह मंत्रालय, सोच बदलिए, क्योंकि जब तक आप सोच नहीं बदलेंगे तब तक इस तरह के आईएएस ऑफिसर्स सामने उभर कर आते रहेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, यह दावा कैसे किया जा सकता है कि कुछ दिनों बाद इन्हें वापस दिल्ली बुला लिया जाएगा? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आप समझ जाएंगे मैं किस पत्रकार की बात कर रहा हूं। एक जमाने में वो देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल था। उस चैनल में काम करने वाली एक महिला पत्रकार हैं जिन्होंने एक बार गलती से अपने नाम के साथ मोदी जी का नाम जोड़ दिया था, यानी कि उन्होंने कहा था कि मेरा नाम है फलाना ढिमकाना मोदी। हाल ही में उनके पति को अरुणाचल प्रदेश ट्रांसफर कर दिया गया। आप जानते हैं उसके बाद जब जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ हो रही थी या शाहीनबाग में जब तोड़फोड़ हो रही थी, वो अचानक मैदान में उतर गईं और सरकारी प्रोपेगेंडा का गुणगान करने लगीं। ये बोलने लगीं कि ये बुलडोजर चलाना कितनी अच्छी बात है, ना मस्जिद ना कोई जूस का ठेला बचेगा। यानी कि इस एंकर, इस पत्रकार के जहन में गरीबों पर जो अत्याचार हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी करते हुए जिस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा था, डीडीए के नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए, 2017 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए जिस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा था, उस पर वो सवाल नहीं कर रही थी, वो सरकार के इस एक्शन पर तालियां पीट रही थी। मुझे उसी चैनल के कुछ पत्रकारों ने बताया कि हमें तो पता भी नहीं है कब जमीन पर आ गई कैमरे के साथ और सरकारी प्रोपेगेंडा चलाने लग गई। उनके सरकारी प्रोपेगेंडा चलाने का असर यह हुआ कि उनके पति, जिनका ट्रांसफर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया था, ट्रांसफर को रोका गया, अब वो वापस दिल्ली बुला लिए गए हैं। देखा साहब आपने, ये ट्रांसफर्स को लेकर किस तरह की राजनीति होती है, किस तरह का खेला होता है। जी हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि संजीव खिरवार को इस वक्त बेशक अरुणाचल प्रदेश, उनकी पत्नी को अरुणाचल प्रदेश भेजा गया होगा, उन्हें लद्दाख भेजा गया होगा, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कुछ दिनों बाद अगर ये ब्यूरोक्रेट्स भारतीय जनता पार्टी के करीबी हैं तो इन्हें बहुत ही आसानी से वापस भी बुला लिया जाएगा। मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।